पोरस पुरु जाट राजवंश। राजा पोरस जाट था जिसका गोत पुरु पोरव था। इनका राज्य जेहलम तथा चिनाब नदियों के बीच के क्षेत्र पर था। यह उस समय के पंजाब और सिंध नदी पार के सब राजाओं से अधिक शक्तिशाली था। सिकंदर ने राजा पोरस को अपनी प्रभुता स्वीकार करने हेतु संदेश भेजा, जिसको पोरस ने बड़ी निडरता से अस्वीकार कर दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। जाट वीरों का इतिहास, दिलीप सिंह अहलावत, पेज नंबर 361। सिकंदर की सेना ने रात में जेहलम नदी पार कर ली। पोरस की जाट वीर सेना ने उसका सामना किया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जाट बड़ी वीरता से लड़े। सिकंदर के साथ यूनानी सैनिक तथा सीथिया देश के कई हजार वीर सैनिक थे, लेकिन पोरस जाट की सेना ने सिकंदर की सेना के दांत खट्टे कर दिए। हालांकि इस युद्ध में पूरी विजय किसी की नहीं हुई। सिकंदर ने यह सोचकर कि पोरस हमको आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट बन गया है, उसे अपने कैंप में बुलाकर संधि कर ली। इस संधि के अनुसार सिकंदर ने पोरस से मित्रता कर ली और उसे अपने जीते हुए भिंबर व राजौरी प्रदेश दे दिए। जाट द एशियंट रूलर्स, पेज नंबर 170। बीएस दहिया ने लिखा है कि सम्राट पोरस ने सम्राट सिकंदर से युद्ध किया और अंत तक हार नहीं मानी। अंत में सिकंदर ने उनसे आदरणीय संधि की। लंबा उज्जवल शरीर, योद्धा तथा सूरवीर, शत्रु पर तीव्र गति से भाला मारने वाले और युद्ध क्षेत्र में भय पैदा करने वाले सम्राट पोरस के अद्भुत कार्य तांबे की प्लेटों पर नक्काशी करके तक्षशिला के मंदिरों की दीवारों पर लटकाए गए थे। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।